सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है हमारे जो लास्ट वाला कोड दिख रहा है P0404। ये जो कोड है हमारा एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन कंट्रोल सर्किट रेंज का है, जिसको हम आम भाषा में EGR वाल्व बोलते हैं। वैसे तो ये EGR वाल्व नॉर्मली डीजल कार्स में होता है, बट शेवरलेट स्पार्क के अंदर ये EGR वाल्व पेट्रोल वेरियंट में भी है, जिसकी वजह से मतलब गाड़ी का जो पिकअप भी ड्रॉप हो गया था और एवरेज भी कम हो गया था। इसके अंदर काफी ज्यादा कार्बन जमा हुआ है, जैसे कि अभी आगे मैं आपको खोल के बताने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। EGR वाल्व का जो एरर है उसको निकालने के लिए ये EGR वाल्व यहाँ लग रहा है। ये जो है हमारा EGR वाल्व है, और इसको निकालने के लिए ये जो एक्स्ट्रा पाइप है जो यहाँ से घूम के इधर लग रही है, यहाँ पे इसको खोलना पड़ेगा। इसको खोलने के लिए ये दो एलन की के बोल्ट है, ये एलन की का नंबर तो लिखा हुआ नहीं है नंबर, बाकी ये लगभग 5 से 6 नंबर की एलन की है। तो इसको खोलते हैं यहाँ से 34। सबसे पहले बैटरी का टर्मिनल खोलना ज़रूरी है। दो बोल्ट लग रहे हैं ऊपर, एक यहाँ नीचे है और एक यहाँ ऊपर है, ये वाला। चारों बोल्ट खोलने के बाद में पाइप को इसको धीरे से पीछे निकालना है सर, यहाँ से बाहर। ऐसे निकलेगी बाहर यहाँ से, और फिर इसको ऐसे करके बाहर। बचते हैं दो वाले बोल्ट, एक ये 12 नंबर का और एक इधर है ये वाला। अब बारी है दूसरी वाले की, ये वाले अंदर भी सेम प्रॉब्लम है, जाम पड़ा हुआ है। और ये रही EGR वॉल्व की हालत। अभी अपनों को इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जितनी देर काम करेंगे ये खुला पड़ा रहेगा। इसमें करना ही है कोई ना कोई कपड़ा भी पूरा लगाना पड़ेगा इसके अंदर। फटाफट से कपड़ा लगाते हैं इसमें, और यहाँ जो ऊपर की तरफ होल है तो अभी इस वाले को इसी कपड़े से ढका है और इसके अंदर कपड़ा फंसा दिया। इसके होल छोटे, कपड़ा अंदर जा नहीं रहा है, ऐसी कवर कर दिया, डस्ट नहीं गिरे अंदर। चलो इसको ऊपर लेके चलते हैं और देखते हैं इसका क्या हो सकता है। अब ये जो है इसके अंदर भी मैंने पेट्रोल डाला बाइक में से निकाल के, ये इसमें से इस पाइप में, और अभी ये देखो इसके अंदर पेट्रोल की जो कंडीशन है वो कैसी निकल रही है। ये जो सब है, ये सारा जो कार्बन जम रहा है इसके अंदर पाइप में, वो पेट्रोल की वजह से अब निकलने लगा धीरे धीरे। और इसको हम किसी भी तरह से ताकत का यूज़ कर नहीं सकते हैं, जो पाइप है इसको बड़े आराम से और प्यार से साफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़रा सा भी इसके अंदर का स्क्रैच या कुछ पड़ गया तो कुछ भी इसमें लफड़ा हो सकता है। इसके लिए इसको भी थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डालेंगे और फिर क्लीन करते जाएंगे। पेट्रोल डालने के लिए इसको ये पाइप है, ये इसके अंदर लगा के और फ्यूल का वाल्व ऑन करना है बस। ये अंदर लगा दिया और मैं इसका फ्यूल वाल्व एक बार करके दिखा।
स्लो स्लो चलाना, हल्के हल्के से, वरना ये डैमेज कर सकती है बहुत सारी चीज़ों को। और ये अंदर से फंसे हुए सारे कचरे को क्लीन कर दीजिए, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ ये निकला। और जो अपना रिजल्ट है वो मैं अभी दिखाता हूँ, देखो ये रहा, ये इस लेवल की सफाई हो रही है इससे। इसके अंदर का क्या मामला है, तो आइडिया काम कर रहा है, तो इस तरह से मैं इसको फटाफट से सारा क्लीन कर लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ तुम्हारे लोगों को कि कैसा हो रहा। जैसा देख सकते हैं ये जो चीज़ है उसके अंदर से निकली है, इतना सारा कार्बन जमा हुआ था। अब मुझे इस सब को देख के ऐसा लगता है कि गाड़ी का पिकअप मतलब बहुत अच्छी तरह से बढ़ने वाला है। मेरी गाड़ी में ये इशू चल रहा था कब से, कोई पिकअप नहीं है। अगर आप लोगों की गाड़ी में पिकअप की कमी आ रही है तो देख लो, ये इतना सारा कचरा अंदर जमा हुआ था पाइप के और वाल के अंदर अलग था। वाल को भी मैंने डुबा के रख रखा है, इसमें फ्यूल भर के अंदर फ्यूल इसको काट देगा अच्छी तरह से, और फिर इसको भी देखते हैं इसमें से क्या निकल रहा है। तो अभी थोड़ा पेट्रोल और लेके आना पड़ेगा नीचे जाके गाड़ी में से। और साला बारिश अभी तक चल ही रही है, ये जैसा कि देख सकते हैं बाहर बारिश अभी तक चालू है। बारिश एक तो काम नहीं करने दे रही है बिल्कुल भी। सो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं अभी ये बढ़िया से क्लीन कर दिया इसको, और ये जैसा कि जब हमने निकाला तुम सबने देखा होगा कि ये एकदम गंदा हो रहा था, उसको साफ़ करा है बाहर से तो, और अंदर से भी काफ़ी हद तक अब साफ हो चुका है। मैं फ्लैश लाइट जलाता हूँ, थोड़ा बहुत है ये वाला, इतना मैटर नहीं करता है। मेन तो ये जो है इसका वाल है, ये अभी मैं इसको एक बार हेयर ड्रायर से और सुखा देता हूँ, क्योंकि पेट्रोल की वजह से इसने थोड़ा सा अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब किया था, तो वो है उसको क्लीन करते हैं अच्छे से एक बार ड्रायर मार के बिल्कुल सुखा देते हैं ये सारे पॉइंट्स वगैरह जो भी हैं। उसके बाद में हम इनको अच्छे से वापस फिट कर देंगे। इसके अंदर भी देखो ये दिख रहा होगा अंदर बिल्कुल, ये मेटल साफ हो गया इसका, पहले सारा काला दिख रहा था अब ये ब्राउन दिख रहा है, थोड़ा बहुत फ़र्क आया इसके अंदर। हाँ यार, ये सब कंप्लीट हो गया है और उसको लगाने जाना है, लेकिन बारिश हो रही है तो क्या पता आज लग भी पाएगा या नहीं, बारिश की वजह से काम रुका पड़ा है। देखता हूँ अगर नहीं होगा तो फिर जाके बारिश के अंदर ही भीगते हुए काम करूँगा। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जो हमारा EGR वाल है, इसको सूखा सूखा लगाना पड़ेगा, वहाँ बेकार भीग जाएगा तो फिर गाड़ी स्टार्टिंग ट्रबल करेगी अगर इसमें थोड़ा सा पानी गया था, और लाइट भी आ सकती है चेक इंजन की, दैट्स व्हाई भी इसको सूखा रख के लगाना है। तो मैं इसको जल्दी से ड्रायर लगाता हूँ और उसके बाद में हम फिटिंग करेंगे इसकी। बिल्कुल फ्री चल रहा है ये। सो गाइस, फाइनली अभी इसको वो कर दिया है, क्या कहते हैं, ड्राई भी कर दिया, और पूरी तरह से सूखने के बाद इसका कुछ ऐसा लुक आ रहा है। ये थोड़े से वापस से मिट्टी से गंदा दिख रहा है, लेकिन इट्स ओके, अंदर से इसको हमने पेट्रोल से अच्छी तरह से क्लीन कर दिया। अब द मोमेंट ऑफ ट्रुथ के ये चलता है कि नहीं चलता है, उसको लगा के देखेंगे और चेक करते हैं। देखो बारिश थोड़ी सी कम हुई है पहले से, मेरी कोशिश यही है कि मैं इसको फिट कर दूँ फटाफट से जाके। तो चलो बाहर मिलते हैं और मैं इसको फिट करके बताता हूँ। फिट करने का तरीका सिंपल है, जैसे खोला था वैसे फिट करना है। इसको हमें वहाँ पे रख के और दो इसके ऊपर दो नटें रहेंगी 12 नंबर की, वो लगानी है और फिर ये लगेगा। उसके बाद में ये इसमें यहाँ ऊपर दो 10 नंबर के बोल्ट खोलें और यहाँ पे दो एलन की के बोल्ट हैं 6 नंबर के नीचे, ये इस तरह से लगेगा वहाँ पे। चलो फटाफट से फिटिंग करते हैं नीचे चल के और फिर दिखाता हूँ आपको। As you can see,
पूरी तरह से फिक्स फिट हो चुका अंदर, और ये सेंसर भी लगा दिया ये वाला, जो पाइप है वो भी कनेक्ट हो गई। अब इसको चाबी वगैरह लगाते हैं और न्यूट्रल चेक करें। ठीक है, न्यूट्रल है। अब इग्निशन, फ्यूल के कांटे वगैरह उड़ गए, पंप प्राइम कर रहा है अच्छे से। अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कोई चेक इंजन लाइट तो नहीं आ रही है। जैसा कि देख सकते हैं ये वाली जो लाइट्स हैं दो, एक तो ये डोर ओपन है इसकी है और एक हैंड ब्रेक की है। अभी हम जब चलाएंगे तब मैं दिखाता हूँ, दोनों लाइटें चली जाएंगी और इंजन अच्छे से स्टार्ट हो गया। तो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा वीडियो के अंदर कैसे EGR वाल्व को खोलते हैं और कैसे उसको क्लीन करते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी में भी अगर इस तरह का कोई इशू आ रहा है, जैसे कि पिकअप ड्रॉप हो गया या एवरेज बिल्कुल कम दे रही है गाड़ी, एक्सेलेटर फुल दबा रहे हैं तो भी भाग कम रही है, जिसे बोलते हैं पिकअप का ड्रॉप होना, तो ऐसी अगर कोई कंडीशन है तो पहले तो आप उसका थ्रॉटल बॉडी क्लीन करें, जो कि मैंने किया है, उसकी मैं वीडियो बनाना भूल गया। और थ्रॉटल बॉडी क्लीन करें, फिर EGR वाल्व क्लीन करें, उसके बाद अपने गाड़ी का हेड वगैरह के वाल्व चेक करवाएं। आई एम श्योर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपके दोस्त के किसी के पास शेवरलेट की स्पार्क है तो उसको शेयर कर देना ये वीडियो, हो सकता है उसके कुछ काम आ जाए और उसके थोड़े पैसे बचें।